हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। इस वीडियो में हम लोग त्रिपुरा बोर्ड का 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, कैसे चेक करना है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जहाँ पे मैं खुद गया हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि कैसे आपको चेक करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो त्रिपुरा बोर्ड का रिजल्ट कई बार डिक्लेयर हो जाता है और स्टूडेंट्स को ये भी नहीं मालूम चलता कि कब डिक्लेयर हुआ, कैसे आपको चेक करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप त्रिपुरा बोर्ड का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ये भी नहीं मालूम चलता कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, गलत तरीके से रिजल्ट चेक करने की वजह से सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, कैसे करना है चेक, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि त्रिपुरा बोर्ड का आप रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम चलता है कि कौन से स्पीड तरीके से वेबसाइट को चेक करें, कौन सी वेबसाइट पर जाएं चेक करने के लिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है। त्रिपुरा बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले इसी चैनल पर आती हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे सर्च करना है, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से सर्च करते हैं, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो रिजल्ट नहीं चेक कर पाते। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है, वहाँ पर वही लिखना है जो मैंने लिखा है। आपको लिखना है त्रिपुरा बोर्ड 12th रिजल्ट 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहां त्रिपुरा बोर्ड से रिलेटेड सारे अपडेट्स आते हैं। तो क्या करना है, कैसे चेक करना है, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट। सही बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से चेक करते हैं और उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आपको लिखना है IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहां त्रिपुरा बोर्ड का जो रिजल्ट है यहीं पर आएगा। तो इसे सर्च करेंगे आप, जैसे आप इसे सर्च करेंगे नए टैब में जाएंगे, यहां पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा बोर्ड रिजल्ट, यानी त्रिपुरा माध्यमिक बोर्ड बोला जाता है इसे। तो यहां पे आ चुका है रिजल्ट, इसे ओपन करेंगे हम लोग। यहां पे देख सकते हैं IASpaper.net लिखा है, एक्जैक्टली सेम, तो इसे ही ओपन करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर, यानी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मैं 150% जूम कर देता हूं जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो यहां पे देख सकते हैं त्रिपुरा बोर्ड 2012 रिजल्ट डिक्लेयर, ओके, चेक TBSE, यानी त्रिपुरा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। तो रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई को निकला। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जिसे TBSE बोला जाता है, 1973 में बनाया गया था, जो 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर करता है, रिजल्ट लेता है, एग्जामिनेशन लेता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सामने आपके फॉर्म है आप इसे जरूर भर दें। आपको अपना यहाँ पे फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं त्रिपुरा का हूँ तो त्रिपुरा पर क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं। त्रिपुरा के कहाँ के हैं, तो मैं त्रिपुरा के अगरतला का हूँ। अगर मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, गाँव का भी हूँ त्रिपुरा के, तो मुझे अगरतला ही लिखना पड़ेगा। खैर, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, गाँव का हूँ, बहुत ही छोटे गाँव में रहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम इलाका है, शहर से काफ़ी दूर है, बिजली पानी इंटरनेट की सारी सुविधाओं का बहुत ही अभाव है, बहुत कमी है। इंटरनेट कम मिलता है, स्पीड कम मिलती है, या फिर नहीं मिलता है, इंटरनेट नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे वैल्यू दे सकूँ, बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकूँ। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और बेहतर सही समय पर सही वीडियो दे सकूँ। तो इस फॉर्म को भी ज़रूर भरना है। यहाँ पे कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं, BCA, MCA, या फिर MCA तो खैर मास्टर डिग्री के बाद आप करेंगे, बैचलर डिग्री के पास आप बात आप करेंगे, डिज़ाइन, फैशन, आर्किटेक्चर, मीडिया, जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फाइनेंस, अकाउंट्स, मेडिसिन, हेल्थ केयर, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, एविएशन एंड फैशन डिजाइनिंग, क्या करना चाहते हैं आप। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो हूँ, मैं BCA करना चाहता हूँ, तो मैं माफ़ कीजिएगा, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग पर क्लिक करूँगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है, मैंने 12th पास किया है, तो मैं 12th पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, त्रिपुरा बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको ईमेल और SMS के जरिए मिलते रहेंगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, पर डेफिनेटली जो वैल्यू है काफ़ी परसीव वैल्यू मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा ना, आपको जो फ्यूचर में त्रिपुरा बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे, आपको कॉल आते रहेंगे, SMS आता रहेगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से, और आपको SMS आता रहेगा एडमिशन के लिए, ऑफर्स आते रहेंगे, 25-30 कॉलेज का एक साथ ऑफर्स आ जाएंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको कोई ऑफर्स दे रहा है तो, एडमिशन के लिए फ्री में बता रहा है, तो ये गेट फ्री काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। जो एग्जामिनेशन है 3rd मार्च को स्टार्ट हुई थी, 27th मार्च 2020 को एप्लीकेशन खत्म हुआ, एग्जामिनेशन खत्म हुआ, रिजल्ट 31 जुलाई को आया था। यहाँ पे रिजल्ट का एनालिसिस दिया गया 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 के बारे में, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, कितने स्टूडेंट्स पास हुए थे, ओवरऑल परसेंटेज, कितने बॉयज पास हुए थे, पासिंग परसेंटेज वगैरह, रिजल्ट वगैरह के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया। तो डेफिनेटली आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, त्रिपुरा बोर्ड रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे, यहाँ पे हमें रिजल्ट चेक करना है। मैं जूम कर देता हूँ इसे, ओके। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपको सामने आपका रिजल्ट मिल जाएगा और उसे आप चेक कर लें। उसमें सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, सबको बेस्ट ऑफ लक पास होने के लिए। अगरतला बोर्ड है, त्रिपुरा का जो अगरतला है, वहाँ पे त्रिपुरा बोर्ड का जो एजुकेशन का ऑफिस है वो यहाँ पे है।
और यहाँ से आप शो रिजल्ट करके आप सारे स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको चेक करना काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके त्रिपुरा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स को सॉल्व किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।